हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका एबीसीडी सब कुछ चैनल में। मेरा नाम है बशीर अहमद खान। दोस्तों, अगर आप लोग आउटसाइड में सीपीवीसी का काम करते हो, बाकी पाइप का मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग आउटसाइड में जो ओटीएस होता है उसमें अगर आप लोग सीपीवीसी का काम करते हो और जेट पट्टी से काम करते हो यू क्लाम के साथ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो बाद में मिस्टेक होएगा और परेशानी बहुत बढ़ेगी। और क्लाम्पिंग का सिस्टम क्या होता है, बाद में इतना टाइमिंग जाएगा आपका, इतना टाइमिंग लॉस होएगा, इतना काम में टाइम वेस्ट होएगा। सिर्फ छोटा सा इन्फॉर्मेशन है लेकिन है बहुत ही काम का, जो टाइमिंग बचाने वाला है। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ मैं सीपीवीसी का पाइप रखा हूँ, यूपीवीसी का पाइप रखा हूँ और यू बोल्ट जो है उस सब रखा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यू क्लाम दिखाना है पाइप में फिटिंग करके। आप पाइप में फिटिंग करना कौन सी बड़ी बात है आप बोल रहे हो, उस सब छोड़िए। पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारा छोटा सा लेकर बड़ा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यू क्लाम किस में फिट बैठता है और कौन सा क्लाम किस में चाहिए, यही आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ आप लोग देख लीजिए, ये एक इंच का पाइप है सीपीवीसी का और यूपीवीसी का भी जो है वो एक इंच का पाइप है। तो यहाँ जो है ये सीपीवीसी का एक इंच वाला जो रखा हूँ, इसमें भी यू क्लाम फिटिंग करने वाला हूँ एक इंच का, और यूपीवीसी का एक इंच का पाइप में एक इंच का यू क्लाम फिटिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ इस सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चलेगा क्या टाइम वेस्ट होएगा और क्या प्रॉब्लम होएगा। ज़रूर बने रहिएगा वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं यू क्लाम लगाकर। ओके, और लगाते हुए आप लोग देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, यहाँ 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच तक का यू क्लाम है एक से लेकर। ओके, तो यहाँ भी मैं भी पाइप जो रखा हूँ वो 1.25 का पाइप लगा कर रखा हूँ जेट पट्टी के ऊपर, जो जेट क्लैम्प होता है या फिर कोई पट्टी बोलते हैं। ओके, उसके ऊपर रखा हूँ। जैसे कि यहाँ देख लीजिए आप, मैं बताता हूँ, यहाँ मैं अलग अलग यू क्लाम रखा हूँ जो आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे कि आप एक जो पहले का नंबर देख रहे हो वो है आपका 1.25 इंच का यू क्लाम। ओके, ये वाला। उसके बाद में जो है 1 इंच का यू क्लाम है। उसके बाद में जो 2 यू क्लाम है वो 1.25 इंच का यू क्लाम रखा हूँ, 2 रखा हूँ, क्यों अभी बताऊँगा। और एक जो है 1.5 इंच का है। ओके, तो अब मैं पाइप में फिटिंग करूँगा और आप लोगों को समझाऊँगा यहाँ क्या डिस्टर्ब होता है। कहीं कहीं थोड़ा कम होता है, कहीं कहीं बहुत टाइम चले जाता है, बहुत आपका टाइम वेस्ट होता है काम करने में, एक लाइन मारने में बहुत ज़्यादा ये होता है। जो जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन है, बने रहिए, आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, तो आप चलिए मैं फिटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले नट टाइट कर लेता हूँ सभी में, फिर आपको बोलता हूँ। ये देख लीजिए आप, ये 1.5 इंच का क्लैंप है और ये 1.25 इंच का क्लैंप है। ओके, अब ये दोनों 1.5 इंच का पाइप है, तो मैं आप लोगों को एक में 1.5 इंच का ये लगवाऊंगा और इसमें एक लगाऊंगा, फिर आप लोगों को पता चलेगा जो कैसा सिस्टम होता है काम का और कैसे इजी होएगा और फास्ट होएगा काम। चलिए मैं 1.5 इंच में एक लगा लेता हूँ। अटल आप देखिए, ये 1.5 इंच का क्लैंप है लेकिन 1.5 इंच का सीपीवीसी पाइप में आप देखिए कैसा लूज हो रहा है। आप इधर ध्यान से देख सकते हो, इधर प्लास्टिक आ चुका है। ये देख लीजिए आप, इधर प्लास्टिक आ गया। तो इसमें क्या होता है, ये नट जो है ना आपको, मतलब ऐसे अपोजिशन जगह में ना ऐसे इस सब टाइट करने में ऐसे बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लगता है। और कभी अगर खोलना भी है पाइप फिर भी आपका टाइम लगेगा, मतलब इतना टाइम लगेगा आप, मतलब टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा जो भी पाइप आता है उससे 1 पॉइंट साइज का सीपीवीसी में अगर होता है तो आपको 1 पॉइंट साइज का कम लेके आपको क्लैंप लगाना पड़ेगा ताकि आपका काम अच्छा होएगा। ये देख लीजिए, ये 1.25 इंच का है, मैं इसमें बिल्कुल लूच है, आप देखिए ये लूच है। अब मैं इसे ऐसा नॉर्मली टाइट करता हूँ, आप देख लीजिए ये जो है, देखिए पूरा जेट हिल रहा है और ये देख सकते हो, मतलब 1.25 इंच का क्लैंप में आपका 1.5 इंच का पाइप आ जाएगा सीपीवीसी और मतलब साइज टू साइज। जैसे कि आपका समझ लीजिए, यूपीवीसी में जो पाइप आएगा आपका वही यू क्लाम आएगा वही साइज का, लेकिन सीपीवीसी में अगर आपका 1.25 इंच का सीपीवीसी पाइप आता है जेट पट्टी में तो 1/2 इंच का यू बोल्ट लेना चाहिए। अगर 1 इंच का सीपीवीसी पाइप आता है तो 1.25 इंच का यू बोल्ट लेना चाहिए। अगर 1.25 इंच का सीपीवीसी पाइप आता है तो 1 इंच का यू बोल्ट लेना चाहिए। तो 1.5 इंच का अगर सीपीवीसी पाइप आता है तो 1.25 इंच का यू बोल्ट लेना चाहिए। और अगर आपका 2 इंच का सीपीवीसी पाइप आता है तो आपका 1.5 इंच का यू बोल्ट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका यही प्रॉब्लम है,
अगर आप समझ नहीं सकते कभी, एक जो CPVC पाइप है वही साइज का पाइप लेकर आकर करिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कितना टाइम जाएगा। 1 घंटे में जो काम होने वाला था वहाँ 2 घंटा लग जाएगा आपका नट टाइट करते करते सिर्फ। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है लेकिन है बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल अगर आप वर्कर और कॉन्ट्रैक्टर हो तो। क्लाइंट का कुछ नहीं जाता है इसमें, ओके। अब आगे सुनिए, और ये जो है ना आप लोगों को, ये जो इसमें इस नट बोल्ट में यू बोल्ट में आपका ये पाना लगता है, 14 और 15 का पाना हमेशा लगता है। मतलब 14 15 का रखोगे तो आपका मतलब आ जाएगा, 14 का लगता है लेकिन 15 में हो जाएगा। ये जो जेट क्लैंप है ना आपका, ये जेट क्लैंप हमेशा बहुत सारे भाई का जो सॉल रहता है किधर मिलता है, जेट क्लैंप आप प्लम्बिंग शॉप में जाइए उधर जाकर आप ढूंढिए, अगर मिलता है तो अच्छा है, नहीं तो वो आपको एड्रेस दे देंगे फलाना ढिकाना जिधर से लेना है लो बस। बाकी वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।